डिवीज़न ऑफ लेबर, एमाइल दुर्खिम का है ये डिवीज़न ऑफ लेबर। इन्होंने कहा कि मॉडर्न सोसाइटी में इतना डिफ्रेंशिएशन है, इतनी हिट्रोजेनिटी है और कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके बावजूद सोसाइटी एक साथ कैसे रह रही है। तो इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का अटैम्प्ट किया कि इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये इनके डॉक्टर जो थीसिस का पार्ट था, जब ये थीसिस इनकी लिखी जा रही थी तो इसका एक ये टॉपिक था, ये पार्ट था। तो इन्होंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा कैसे है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर सिंपली मतलब है कि स्प्लिटिंग ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज़ को बांट दो, तोड़ दो, लोगों में बांट दो, उन्हें छोटे छोटे हिस्से करके, मतलब छोटे छोटे काम करके उस लोगों को दो। तो डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब जिसे जिसे जो करना है वो उसे दिया जाए, लोगों को दिया जाए या ग्रुप में दिया जाए, तो ये हो गया डिवीज़न ऑफ लेबर। दुर्खिम आर्ग्यू करते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज, ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, हर जगह है। दुर्खिम के अकॉर्डिंग डिवीज़न ऑफ लेबर हर जगह है, पहले भी था, आज भी है। जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो बड़ी सिंपल सोसाइटी थी, उसमें ज़्यादा डिवीज़न नहीं थे, ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं थे, सिंपल था काम, सब कोई हर कोई काम कर सकता था, मतलब कोई स्पेशलाइजेशन की स्पेशल ज़रूरत नहीं थी, सिमिलर एक्टिविटीज सब परफॉर्म करते थे। दुर्खिम के अकॉर्डिंग इसे कहा गया मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, इसका मतलब होता है सॉलिडेरिटी ड्यू टू लाइकनेस और सेमनेस, सब एक जैसे थे इन सेंस कि सबके पास जो काम थे वो एक जैसे ही थे, तो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि दूसरा उस काम को हैंडल नहीं कर सकता, सब कोई हैंडल कर सकता था। तो स्पेशलाइजेशन वेरी फ्यू थे कब, प्रिमिटिव सोसाइटी में, लोग साथ में रह रहे थे, पॉपुलेशन भी कम थी तो दिक्कत भी कम थी, पॉपुलेशन कम थी तो मेटेरियल डेंसिटी भी कम थी, कम चीज़ों की ज़रूरत थी। जब पॉपुलेशन कम थी तो लोगों के पास में मतलब इंटरेक्शन कम होता था, आपस में मिलना जुलना ज़्यादा इस हिसाब से नहीं होता था, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, मतलब ये है। तो मॉरल डेंसिटी भी कम थी, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो हुआ क्या, मेटेरियल डेंसिटी बढ़ेगी, चांस ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा क्योंकि लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। फिर क्या होगा, कंपटीशन होगा, किस लिए कंपटीशन होगा, ऑक्यूपेशन में, जो ऑक्यूपेशन है वो हर कोई कर रहा है तो उसमें कंपटीशन होगा, क्योंकि किसी का काम क्यों चलेगा, जब किसी से बेहतर नहीं होगा तो बेहतर की कोशिश होगी तो कंपटीशन आएगा उसमें ऑक्यूपेशन में। तो इसमें होगा क्या, जब अच्छे से काम कर रहा होगा वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं कर रहा होगा काम, जिसका काम अच्छा नहीं चलेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा, वो नया ऑप्शन ढूंढेगा, नया ऑप्शन कहाँ से आएंगे, स्पेशलाइजेशन आ गया, कोई एक पार्ट पे वो फोकस करेगा, उसमें स्पेशल हो जाएगा, मतलब स्पेशल वाली चीज़ें सीखेगा, कुछ एडवांस सीखेगा, कुछ उसमें बेहतर करेगा, तो स्पेशलाइजेशन होगा। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस शुरू हो गया डिवीज़न ऑफ लेबर में। इससे हुआ गया इमरजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का मतलब ये है कि बेस्ड ऑन डिफरेंसेस एंड डिपेंडेंसी, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का ये है कि दूसरे एक दूसरे से के ऊपर अच्छे से डिपेंड हैं, मतलब अपने आप अपने फील्ड में तो एक्सपर्ट हैं बट दूसरे फील्ड की भी तो ज़रूरत है, तो वो सारे उसके लिए वो दूसरे लोगों पर डिपेंड है, इसे ये क्या है, ये है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। दुर्खिम ने कहा कि इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट, वो हम इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे, मोर इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे, इंडिविजुअल बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी, हम सोसाइटी पर कुछ ज़्यादा डिपेंड हो गए क्योंकि हमने अपना सारा काम करना छोड़ दिया और हमने किसी एक पर फोकस किया तो डिपेंड तो होंगे। यही था डिवीज़न ऑफ लेबर, नेक्स्ट और नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे।